28 अक्टूबर 2023 शरद पूर्णिमा पे लगने वाला भारी चंद्र ग्रहण किन राशियों को करेगा मालामाल, किन राशियों को करेगा कंगाल। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी, साथ ही बताऊंगी कि गर्भवती महिला को क्या सावधानियां बरतनी है ग्रहण के दौरान। दोस्तों ये ग्रहण का सूतक काल कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा, ग्रहण की अवधि कितने बजे तक रहेगी, कितने बजे समाप्त होगी ग्रहण, ये ग्रहण जो है किन किन देशों में किन किन राज्यों में कब दिखेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि आपको ग्रहण के दौरान कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपका जो है ना ग्रह बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके, चैनल पर जुड़े हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक चढ़ जाता है और सूतक में भी कौन कौन काम करना वर्जित है वो ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। जैसे कि आपको मंदिर में पूजा नहीं करना है, सूतक में भी आपको मंदिर में पूजा नहीं करना है, मंदिर का दरवाजा आपको नहीं खोलना है, फाटक बंद कर देना है, मंदिर बाहर भी नहीं जाना है, घर में है तो घर में भी पूजा नहीं करना है, दिया नहीं जलाना है मंदिर में, ये सारे काम करना वर्जित है सूतक काल में भी। और सूतक काल कब चढ़ रहा है ध्यान से सुनिएगा, सूतक काल 28 अक्टूबर को शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो जा रहा है, जो कि ग्रहण खत्म होने के बाद ही सूतक काल खत्म होता है। ये हो गया आपको सूतक काल से लेकर के ग्रहण खत्म होने तक मंदिर के दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना है, पर्दा नहीं हटाना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है, दिया नहीं जलाना है, कुछ भी नहीं करना है। साथ ही देखिए ग्रहण में आपको कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए, खाना नहीं खाना है, कोई भी ऐसा वर्जित काम नहीं करना है, घर में क्लेश नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी भी बड़े बूढ़े या छोटे बड़े किसी को भी दिल नहीं दुखाना है। साथ ही गर्भवती महिला को खास करके कोई भी ऐसा नुकीले चीज का मतलब कि औजार वगैरह का यूज नहीं करना है, जैसे कि सब्जी काटना, सब्जी बनाना, खाना बनाना या फिर सिलाई विलाई करना, ये सारे काम नहीं करना चाहिए गर्भवती महिला को। गर्भवती महिला को चुपचाप से लेट करके सो करके या फिर घूमते रहना चाहिए, भगवान का नाम भजते रहना चाहिए, साथ ही भगवान का भजन करना चाहिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहना चाहिए भगवान से। देखिए ग्रहण जो होता है ना, भगवान ग्रह में रहते हैं तो उस समय हमें भगवान को और भी ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, इसीलिए हम ग्रहण में कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि भगवान और भी ज़्यादा कष्ट में पड़े। अब आपको मैं बता देती हूँ कि ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक लग रहा है। चंद्र ग्रहण का स्पर्श काल जो है ना 29 अक्टूबर रात 1:05 से शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण का मोक्ष काल 29 अक्टूबर रात 2:05 से, ओके। सूतक काल जो है 28 अक्टूबर की शाम 4 बजे से, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 2:24 पे जो है ना पूरी तरीके से ग्रहण खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क करके नहा धोवा करके आपको क्या करना है कि कोई सा भी अनाज छू लेना है, जितने भी घर में परिवार हो सभी लोग छू लेंगे, उसके बाद ले जा करके किसी को दान कर दीजिएगा, जरूरतमंद इंसान को। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ना ग्रहण किन राशियों को करेगा मालामाल और किन राशियों को करेगा कंगाल। चंद्रमा मेष राशि में राहु और बृहस्पति के साथ होंगे और केतु के साथ सूर्य बुध मंगल रहेंगे, अतः चंद्रमा एवं सूर्य से प्रभावित होने वाले जातकों को विशेष तौर पे सावधानी बरतनी होगी दोस्तों, जैसे कि मेष, वृष, कर्क, कन्या, तुला, वृषक, मकर और मीन वाले के लिए ग्रहण थोड़ा कठिन समय वाला होगा। इसके अलावा सिंह, मिथुन, धनु, कुंभ राशि के लोगों के लिए ग्रहण आर्थिक स्थिति को बलवान करेगा और लाभ कराएगा।
ठीक है, आप लोगों ने नोटिस कर लिया ना कि किन राशियों को क्या प्रभाव देने वाला है ये ग्रहण। अब चलिए जानते हैं कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखने वाला है। दोस्तों चंद्र ग्रहण की बात करें तो देखिए इसे भारत में तो देखा ही जाएगा, 100% देखा जाएगा। यह ग्रहण जो है ना यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का ज़्यादातर हिस्सा जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक से चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।